आज मैं बात करने वाली हूँ कि लड़कों का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो कितने टाइप का होता है। इससे पहले इस वीडियो के बनाने के पीछे का रीज़न मैं बता देती हूँ, जो बहुत ही सीरियस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, बहुत सारे मर्द ऐसे सोचते हैं, मेरा साइज़ ठीक नहीं है, मेरा जो गिर्थ है वो ठीक नहीं है, या फिर मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। और इसकी इम्पोर्टेंस, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है। खैर, मेरा तो है ही ये नीश, प्राइवेट पार्ट जो होता है ना वो इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके साथ रिप्रोडक्शन, इसके साथ मस्कुलिनिटी और इसके साथ पावर, स्ट्रेंथ और स्टेमिना कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो रिप्रोडक्शन में आजकल TTV और IVF काफ़ी पॉपुलर है, बट ये इतना आसान मेथड नहीं है। कभी कभार पेनफुल होता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। तो ये आपके प्लेजर के साथ साथ, आपके रिप्रोडक्शन के साथ साथ आपकी मस्कुलिनिटी, आपकी स्ट्रेंथ को, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए आज हम इसके कितने टाइप्स होते हैं जो नॉर्मल होता है हम वो बताने वाले हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में होना तो आँख बंद करके आप एकदम खुश हो जाओ। और ये मेरी कैलकुलेशन नहीं है, ये रिसर्च बताती है जिसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहला जो साइज़ होता है जो नॉर्मल कैटेगरी में आती है वो है मिस्टर पेंसिल, यानी कि इनकी जो साइज़ होती है वो पेंसिल के आकार में होती है, जिनकी बेस से टॉप तक सेम होती है और जो कैप सेक्शन होता है वो थोड़ा सा नुकीला होता है। ये जो कैटेगरी के साइज़ आती है वो नॉर्मल कैटेगरी में आती है और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है उन फीमेल्स के लिए जिनकी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है। नंबर टू वो है मिस्टर पेपर। मैं मिस्टर इसीलिए इसके सामने लगा रही हूँ बिकॉज डेफिनेटली मैं मर्दों के कैटेगरी की बात करने वाली हूँ, तो मैंने हर साइज़ के नाम के आगे मिस्टर लगा दिया है ताकि ये थोड़ा सा यूनिक सा दिखे, सुनाई दे बड़े। खैर, ये जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसकी मोटाई अच्छी होती है बट इसका लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट मोटाई इसकी बहुत होती है। साइज़ में ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है बट इसकी गिर्थ बहुत अच्छी होती है। तो जो एस साइज़ को कैरी कर रहे हैं ना, उनका प्लस पॉइंट ये होता है कि वो कभी भी लूजनेस को फील नहीं करते। अक्सर फीमेल पार्टनर के कभी भी लूजनेस को फील नहीं करते क्योंकि गिर्थ काफ़ी अच्छी होती है और फ्रिक्शन देने में उनको काफ़ी मदद मिलती है। नंबर थ्री वो है मिस्टर कोन। अब आपने कोन तो देखा होगा, चॉकलेट तो खाते ही है ना आप लोग, आइसक्रीम तो खाते ही हैं, तो कोन कैसा होता है, जिसका बेस थोड़ा सा मोटा होता है, गिर्थ काफ़ी मोटी होती है, उसका कैप जो होता है, टिप जो होता है वो धीरे 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 नुकीला होता जाता है और जो कैप होता है वो नॉर्मली उसकी जो गिर्थ होती है वो बेस के गिर्थ से थोड़ी कम होती है, तो वो ऐसे नुकीले शेप में आ जाती है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो इसको भी डॉक्टर्स नॉर्मल मानते हैं। एंड नंबर फोर इज मिस्टर बनाना। केले के आकार को तो आप जानते ही होंगे, वो थोड़ा सा बैंड होता है और डेफिनेटली जिनकी साइज़ इस कैटेगरी में आती है वो उनकी जो प्राइवेट पार्ट होती है वो थोड़ी सी बैंड होती है, थोड़ी सी कर्व शेप में होती है और वो लेफ्ट भी होती है, हो सकती है राइट भी हो सकती है और अपर डायरेक्शन में भी हो सकती है। ये भी नॉर्मल कैटेगरी में आती है बट येस ये लिटिल बिट कर्व होता है, बहुत ही हल्का सा होता है। बहुत ज़्यादा कर्व हो तो डेफिनेटली वो एक डिजीज़ की कैटेगरी में आ जाती है और उस केस में मेल और फीमेल दोनों ही काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, तो वो ट्रीटमेंट के अंदर में आती है। अदरवाइज अगर हल्का सा कर्व हो ना तो वो मिस्टर बनाना के कैटेगरी में आ जाते हैं। सो इट्स ऑल्सो नॉर्मल। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मैन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इन्ग्रीडियंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है, लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना। इसमें है सफेद मुसली। सफेद मुसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर वन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा
तो इसके साथ इरेक्शन भी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आपके बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जिनाइन होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इम्प्रूव करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 5 वो है मिस्टर हैमर। हाय हाय, ये जो कैटेगरी की साइज होती है ना, इसमें क्या होता है कि इसका जो कैप होता है, कैप सेक्शन होता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है, वो उसकी गिर्थ थोड़ी सी मोटी होती है और बेस थोड़ा सा नुकीला होता है। बेस नैरो होती है और टॉप जो होती है उसकी गिर्थ अच्छी होती है। इस कैटेगरी के में भी जो होती है ये भी नॉर्मल है। और वंस अगेन इस कैटेगरी के में जो आते हैं मर्द, उनका भी प्लस पॉइंट ये होता है कि फ्रिक्शन देने में उनको काफ़ी मदद मिलती है। फीमेल पार्टनर को कभी अच्छा फ्रिक्शन मिलता है इस साइज से। नंबर 6 वो है मिस्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस कैटेगरी में जो आते हैं मर्द, उनकी बेस और टॉप सेम गिर्थ में होती है, टॉप भी सेम होता है, मतलब नुकीला नैरो नहीं होता, एकदम शुरू से अंत तक सेम गिर्थ और इनकी साइज भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी होती है, तो ये भी नॉर्मल लिस्ट में आती है और इसको फीमेल भी काफ़ी अच्छा लेजर मिलता है। सो जो मैं आखिरी बताने वाली हूँ वो है मिस्टर, क्या बताओ क्या नाम दो मैं इनका, ये ना कुछ हद तक क्यूकबर के साइज में आती है, जिसकी मतलब के लेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है और गिर्थ भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब ये हाइट में भी लंबा होता है और मोटाई में भी लंबा होता है और टॉप से बेस तक सेम होती है और ये भी नॉर्मल लिस्ट में आती है। बहुत बार ऐसे साइज के जो होते हैं ना, इसको मेल और फीमेल दोनों थोड़ा सा सुनने में ये लग रहा है ना, अरे पापा जो मेल का ऐसा होता है ना उसकी फीमेल पार्टनर तो बहुत मज़ा लेती होगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि फीमेल पार्टनर की जो डेप्थ होती है ना वो एक्सपेंड होने के बाद, जब वो अराउज होती है एक्सपेंड होने के बाद वो 6-6.5 इंच तक बढ़ता है, बट सबका नहीं, मैक्सिमम डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है और कितना तक वो एक्सपेंड हो पाती है, मैं मैक्सिमम की बात करूँ। तो अगर किसी मेल पार्टनर का साइज मान लीजिए कि 6 इंच से ज़्यादा हुआ, तो उस केस में क्या होता है, वो मेल पार्टनर प्रॉपर फुल अपने साइज को इंसर्ट नहीं कर पाता और उस केस में मेल और फीमेल पार्टनर दोनों काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, या तो फीमेल पार्टनर का भी दर्द होता है या फिर मेल पार्टनर जो चाहते हैं एक्चुअली प्रॉपर फुल इंसर्शन ही मेल पार्टनर को काफ़ी हद तक प्लेजर देता है और वो ये नहीं कर पाते। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि जिसका ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उसकी फीमेल पार्टनर को ज़्यादा मज़ा आता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। हर एक को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट एंड ऑफ दिस वीडियो एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, वो है कि आपका साइज़ कैसा भी हो, किसी भी कैटेगरी में आती हो इनमें से, आपका इरेक्शन जो है वो 100% होना चाहिए, यानी कि एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आपकी फीमेल पार्टनर उसको अच्छे से फील कर पाती है। बिकॉज फीमेल प्राइवेट पार्ट जो होती है ना वो काफ़ी इलास्टिक होती है, वो एक इलास्टिक ऑर्गन है, तो अगर आपका टाइट नहीं हुआ तो आपकी फीमेल पार्टनर आप दोनों ही फील नहीं कर पाओगे अपने इंटीमेट रिलेशनशिप को। तो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन उस चीज़ में करना, ना कि मेरा साइज़ कैसे बढ़ाऊँ मैम ऐसा कोई दवा बताओ। मैं कभी आपको ऐसा दवा नहीं बता सकती जो आपके साइज़ को इंक्रीज़ करे, बट डेफिनेटली मैं आपको वो सोल्यूशन बता सकती हूँ जिससे आपका इरेक्शन इम्प्रूव हो। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।